आंख बंद करो, हाँ आंख खोलो, ये देखो क्या लेके आया हूँ। गाइज कभी कभी मेरा ये मन करता है कि थोड़ा ट्रेवल करूँ फैमिली के साथ, कहीं बाहर जाऊँ घूमने, तब वीडियो ब्लॉग करूँ। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है मंगलवार, आज मुझे जाना है मंदिर बजरंगबली के दर्शन करने, बहुत दिन हो गया है। तो गाइज देखिए धूप ले लिया और फूल ले लिया, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अब चल रहा हूँ मंदिर। टाइम 8:20 हो गया है। तो गाइज हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और हमारे साथ सानवी भी है। सानवी इधर देखो, राधे राधे बोलो। मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ, अब चल रहा हूँ पूजा पाठ करके। गाइस मैं मंदिर की चारों साइड परिक्रमा लगा रहा हूँ और हमारे पास सानवी भी परिक्रमा लगा रही है। मेरा पूजा हो गया, अब सानवी पूजा करेगी। सानवी अभी पूजा, तो गाइस अब शंकर जी के मंदिर में आ गए हैं। छोटा सा मंदिर में शंकर जी का है, यहाँ पे पूजा करता हूँ। मैं शनिदेव जी के मंदिर आ गया हूँ, ये देखिए शनिदेव पूजा करता हूँ। माता रानी अच्छी थी, छोड़ी है मेरी माता रानी। हाँ आपकी माता रानी है ना, ये मेरी माता रानी ना, एज कर रही है, ये एज कर रही है और अच्छी बात दे रही है। हाँ आपको दे रही है ना सेवा। पूजा पाठ हो गया, हमारा दर्शन हुआ है शनिदेव जी का भी और शंकर भगवान का भी और बजरंग बली का भी। सानवी आपने पूजा कर लिया? हाँ। किसका किया, कौन से भगवान का? ये काली माई का। अच्छा काली माई का। तो गाइस अब चल रहे हम लोग घर, चले घर। हाँ। तो गाइस हमारे यहाँ का मंदिर है, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, ये देखिए मंदिर है, यहाँ हर भगवान का मंदिर मिल जाएगा आपको। और देखिए कितना पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। और माता जी क्या खा रहे हो, केले केले क्या खा रहे हो? थोड़ा पहले दाढ़ी बनवा के आओ। ठीक है, मेरा बाइक थोड़ा खराब हो गया है, मतलब उसका जो है ना उसका बटन काम नहीं कर रहा है और उसका मोबिल भी खराब हो गया है, तो उसको आज चेंज करवाना है और रिपेयर भी करवाना है, थोड़ा चलने में बहुत चल रही है, तो आज जा रहा हूँ गैरेज में उसको थोड़ा ठीक कर। गाड़ी देखिए ये है बाइक मेरा, और ये देखिए जैसे मैं ये बटन दबा रहा हूँ ना तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो ये देखो इसको ठीक करवाना है, देखो स्टार्ट हो के नहीं हो रहा है, हो गया अभी बंद भी हो जाएगा। अब देखो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, देखो एक बार हो जा रहा है कभी नहीं। सब सोच रहा हूँ बैटरी ख़राब है, इसका बैटरी ठीक करवाना है। ये मेरे घर में बहुत सारा आम आया है, आम को लेकर आया माता जी? मेरे से बीन के। कौन लाया है? हमारा पापा। और क्या करोगे आम का, मतलब? अच्छा छोटी छोटी आम का बन जाता है क्या? तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ गैरेज बाइक को ठीक करवाने। फाइनली मैं गैरेज पहुँच गया हूँ, अब मैं अपने बाइक को ठीक करवाऊँगा। ये गैरेज मोबिल बढ़िया है, कंपनी जो लाया हूँ ये। चल अपना बैटरी अपने बाइक में डलवा रहा हूँ, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी बैटरी है। गाइस मैंने बैटरी चेंज करवा दिया है, जो पुराना वाला था उसको निकलवा दिया, नया लगवा दिया है। हमारा फाइनली बाइक बन चुका है और ये देखो अब स्टार्ट भी हो रहा है, जैसे बटन स्टार्ट नहीं होता था तो हो रहा है, देखिए हो गया ना एक बार में, तो ये हो गया अब सही। अब थोड़ा सा चलने भी बहुत सही हो गया, इसका मोबिल भी चेंज करवाया मैंने, देखो एक बार भी स्टार्ट हो जा रहा है। मैं सानवी के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ फ्रूटी, और देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है सानवी का। सानवी कैसे हो आप, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाँ आंख खोलो, ये देखो क्या लेके आया हूँ। थैंक यू चाचा। मेरा बच्चा कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा। तो गाइस अब मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, हमारा खाने पीने का टाइम हो गया है, तो मैं भाभी से बोलता हूँ खाना निकालने के लिए। भाई खाना निकाल दो, भूख लगी है, जा रही हूँ निकालने। निकालो, साथ भी खाते सब लोग, ठीक है? तो गाइस हमारा खाना आ गया है, खाने में दिखा रहा हूँ, दाल है, तोरी की सब्जी है, चावल है और सोयाबीन सब्जी है, साथ में माता जी भी खा रही, हम लोग खा रहे हैं। सुबह सुबह मुझे डांट पड़ी थी माता जी का बीयर ठीक करवाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके सैलून में बीयर ठीक करा लूंगा, नहीं तो माता जी देखेंगे फिर डांटेगी। अभी 2-3 बार डांट मुझे पड़ चुकी है, तो जाके थोड़ा सैलून में ठीक सेटिंग करवा। गाइस अगर मौसम की बात करेंगे तो धूप है, लेकिन उतना तेज़ धूप नहीं है जितना होना चाहिए। रात में कल बारिश आई थी और तूफान भी बहुत तेज आया था, तो इसलिए मतलब बारिश की वजह से उतना क्लीन धूप नहीं है, कम धूप है। और जैसे चलने में बहुत पसीना आती थी, तो पसीना भी नहीं है। अगर घर में आप एक फ़ैन चला लोगे तो उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा, उतना गर्मी नहीं है। नहीं तो अगर
जो जिस टाइम ये मौसम चल रहा है, मतलब जिस जो ये महीना चल रहा है, इस टाइम तो मौसम बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। तो भगवान करे अभी आठ हफ्ते तक ऐसे ही चल जाए, ठंडा ठंडा मौसम रहे। कहीं अगर ट्रेवल भी करोगे तो पसीना नहीं आएगा, आराम से बाइक वाइक चला सकते। तो गाइस मैं सैलून में पहुंच गया हूँ। तो गाइस मैं फ्यूल लेने आ गया हूँ, अब फ्यूल लेके फिर निकलते हैं। 4:50 हो गया है और हमारा लस्सी पीने का टाइम हो गया है, तो चलो चेस करो बालाजी। ये देखिए हम तीनों की लस्सी चेस। सानवी अब उठ क्यों गए, सो रहे थे ना? बोलो। सो के उठी है, अभी नहीं बोले। मुझे लगा सपना देख रही थी भाई, अचानक उठ गई, रो रही थी। अभी मूड सही नहीं है सानवी। हाँ सानवी घूमने चलोगे? बस भाई वेट कर रहा हूँ जल्दी मेरा वीडियो वायरल हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मैं डेली सुबह 6-7 बजे स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना, रात को भी 6-7-8-9 बजे तक, मतलब जैसा मेरा वीडियो बन जाएगा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, देखने में लगता है कि 8 मिनट वीडियो यूँ बन जाता है, लेकिन जब बनाते हैं समझ में आता है बहुत टाइम लगता है। लेकिन वायरल नहीं हो रहा है तो वही बड़ा सोच नहीं पा रहा हूँ कि वायरल होगा भी नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो सारा मेहनत खराब हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 1 महीने का टाइम है मेरे पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। गाइस कभी कभी मेरा ये मन करता है कि थोड़ा ट्रेवल करूँ फैमिली के साथ, कहीं बाहर जाऊँ घूमने, तब वीडियो ब्लॉग करूँ तो जल्दी थोड़ा ग्रो करेगा। लेकिन जो करता है ट्रैवल करके वीडियो बनाता है तो उनके पास यूट्यूब की मनी होती है, हमारे पास कोई यूट्यूब की मनी नहीं है। अगर मैं ट्रैवल करके वीडियो बनाऊंगा थोड़ा शर्म सी आती है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है कुछ मेरे पास। अगर कोई देखेगा पूछेगा यूट्यूबर हो तो सब्सक्राइबर नहीं है तो भी दिखाने में बड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं अपने घर में ही बनाता हूँ फैमिली के साथ है जो है। अगर कोई वायरल हो गया आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। गाइस मैं यूट्यूब बनाता हूँ तो किसी को मेरे गाँव में किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब बनाता हूँ, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो देखेंगे देखो सर से कमा के आ चुका है, अब ये नया शौक चढ़ गया इसको, इसलिए मैं अपने घर में फैमिली बनाता हूँ। अगर वायरल हो जाएगा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो लोग जान जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा, तब थोड़ा सा नाम भी होगा कि हाँ देखो कुछ कर गए। सानवी आपका पापा कहाँ हैं? मेरे पापा दिल्ली। दिल्ली गए, कब आएंगे? अच्छा आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो आप? मम्मा से। और दादी से। और चाचा भी से। अच्छा सबसे प्यार करते हो क्या? हाँ। अच्छा वो फ्रूटी, 2-3 तो फ्रूटी पीले। गाय ये 3 साल की है तो मतलब ऐसे बोलते हैं सब, जो भी जाता है वो खिलाता जरूर है। लोग सोचते हैं कि इसको सिखाया जाता है लेकिन सिखाया नहीं जाता है, ये अपने आप ही बोलती है। इतना पता नहीं इतना नॉलेज इसको आ कहाँ से रहा है, इतना मतलब इतना बोलती है, इतना बोलना हम लोग भी नहीं आता जितना ये बोल लेती है। बेटा पकौड़ा कौन क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? कौन लेके आया है? दादा। आपको भूख लगी थी क्या? क्या लगी थी? अच्छा आप पकौड़ा खाते हो? गाइज आप लोग मेरे YouTube फैमिली हो यार, वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करो। माँ जी अपना रात क्या कर रहे हो? अचार बना रही हूँ। देव ने बना लेते ना, अभी फ्री हूँ तो अभी बना लेती हूँ, बनाने का कोई टाइम तो बोले लाइट है अपना बना लेती हूँ। तो गोलू सामने बना रही है सानवी भी? मोबाइल बंद कर देते हैं अभी, देख लेना मोबाइल। इस ब्लॉग को मैं ये एंड करता हूँ, टाइम हो गया है 10:12। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।